वालेकुम नाजरीन, आज मैं आप लोगों के लिए अंडे और आलू की भुजिया की रेसिपी लेके हाजिर हूँ, जो झटपट से बन जाती है और खाने में बेहद ही टेस्टी और चटपटा होता है। बच्चे लोग एकदम शौक से खाएंगे, बड़े बच्चे, और बोलेंगे कि मम्मी कुछ ना कुछ बहाना करके बस आलू आलू और अंडे की भुजिया बनाओ। और तो इसे एक बार ज़रूर बनाएं। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। आलू अंडा कप की भुजिया बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, आइए देख लेते हैं। यहाँ मैंने तीन बड़े साइज़ के आलू लिए हैं, तीन आलू बड़े साइज़ के लिए हैं, तो तीन एग लिए हैं मैंने यहाँ पर। आप चाहें तो इसका क्वांटिटी आप बढ़ा घटा सकते हैं, अगर ना भी हो दो भी हो तो चलेगा, लेकिन मैं यहाँ इक्वल डाल रही हूँ। तीन आलू हैं तो तीन अंडे। यहाँ तीन हरी मिर्च, दो सूखी मिर्च लाल वाली, और एक बड़ा सा प्याज, और एक टेबल स्पून मैंने जिंजर को क्रश कर लिया है, और आधा टी स्पून मैंने यहाँ काली मिर्च का पाउडर ले लिया है, और आधा टीस्पून कुटा हुआ धनिया। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लें। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। फिर मैंने एक कढ़ाई ले लिया है, उसमें मस्टर्ड ऑयल 3 से 4 चम्मच डाल दिया है, वो गर्म हो गया है अच्छे से। अब मैंने एक प्याज जो रखा था उसे अच्छे बारीक चॉप कर लिया, और सूखा मिर्च बस 2 से 3 मिनट इसको हल्का फ्राई करेंगे प्याज को। बस घर के ही सामानों में झटके बन जाता है ये, और हरी सब्जी ना हो घर में और कुछ समझ में ना आए क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ, क्योंकि आलू तो अवेलेबल होता ही है घर में, तो फौरन थोड़ा सा क्वांटिटी में ये बन के तैयार हो जाता है। आप इसे ज़रूर बनाएं और ये बहुत ही लाजवाब होता है खाने में। और ये मैंने आलू जो रखे थे तीन बड़े साइज के, उसे 4 हिस्सों में काट के और इसे इस तरह कट कर लिया है मैंने। आप चाहे जिस आकार के काटना चाहें वैसे आप काट ले आलू को। देखिए हमारा हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने के करीब है, इसी में मैं आलू ऐड कर दूँ। और ये मसाला अदरक और ये नमक जो रखा था, और अच्छे से मिक्स करके 5 से 6 मिनट इसको ढक देते हैं, आलू थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। हमारा आलू 5 से 6 मिनट हो गया, हल्का सा थोड़ा गोल्डन होने लगा है, और आलू भी हमारा लगभग सॉफ्ट हो चुका है। ये हरी मिर्च रखी थी वो डाल रही हूँ, और थोड़ा सा फ्राई होने दे 1 से 2 मिनट। खोल के
क्योंकि इसमें मॉइस्चराइजर होगा और पानी जो ढके थे तो थोड़ा सा एक मिनट यूं ही फ्राई कर लेती हूँ। उसके बाद एक एक करके अंडा इसमें ऐड करूँगी। लहसुन मिक्स करना है, फिर एक डालना है। इसी में मैं थोड़ा सा धनिया पत्ती अच्छे से मिक्स करके ऐसे 3-4 मिनट के लिए ढक के पका लूंगी। दोबारा 3 से 4 मिनट अंडा डालने के बाद मैंने इसे ढक के पका लिया है। देखिए हमारे आलू भी एकदम बिल्कुल ही पक चुके हैं, एकदम सॉफ्ट हो चुके हैं। इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करना है क्योंकि हमारे अंडे ज़्यादा फ्राई हो जाएंगे तो ये बिल्कुल ही टेस्ट इसका चेंज हो जाएगा। बस इतने ही में मैं गैस करती हूँ बंद और ढक्कन लगा के 4 से 5 मिनट इसी में रेस्ट करने रख देती हूँ। ये हमारा आलू अंडे की भुजिया बनके तैयार है। मैंने इसे एक बाउल में सर्व कर लिया है और थोड़ा सा चाट मसाला से थोड़ा गार्निश कर लूँगी इसे गर्मा गर्म और थोड़ी सी रेड चिल्ली पाउडर थोड़ा गार्निश के लिए। ये बनके बिल्कुल रेडी है। इसे सुबह सुबह नाश्ता के साथ, पराठा के साथ, चपाती के साथ आप बना सकते हैं या फिर दाल चावल के साथ भी इसे एंजॉय कर सकते हैं। तो इसे एक बार ज़रूर बनाएं और कैसा लगा मुझे फीडबैक दें। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।